नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 का अध्याय संख्या 5 अपने पढ़ रहे थे। उद्योग के बारे में, उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण या उनके प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। उनके अस्तित्व की जो स्थिति होती है या अस्तित्व होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो किन स्थानों पर अवस्थित होते हैं उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत अपने क्या है, एक तो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या प्रमुख उद्योगों का वितरण है उनके बारे में पढ़ेंगे और जो लोहा इस्पात उद्योग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रमुख उद्योगों का वितरण, ठीक है। विश्व में क्या है, प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग है या फिर सूती वस्त्र उद्योग, या फिर जो तीसरा मार्केट में नया आया है जो उद्योग का प्रकार वो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, यह क्या है, विश्व के तीन मुख्य उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग तो क्या है, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन सूचना उद्योग जो है वो एक नया उभरता उद्योग है, ठीक है। यह नया उभरता हुआ उद्योग है। अब जो उभरते हुए उद्योग है इनको क्या है, सनराइज उद्योग भी कहते हैं। सनराइज उद्योग जो अलग अलग उभरते हुए उद्योग हैं उन सभी को क्या है, सनराइज उद्योग भी कहते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य, एक तो ये आता ही है, या फिर स्वास्थ्य लाभ उद्योग, ठीक है, स्वास्थ्य के लाभ हेतु जो उद्योग चलता है, या फिर स्वास्थ्य उद्योग, या फिर सत्कार ज्ञान से संबंधित जो उद्योग है, सत्कार या ज्ञान संबंधी उद्योग है, इनको क्या है, सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी अपने क्या है, इनके अलग अलग मुख्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं जो तीन प्रकार के उद्योग हमारे सामने हैं, ठीक है। इनके बारे में क्रम वाइज पढ़ेंगे अपने, पहला दूसरा और तीसरा। सबसे पहले है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी के अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, भारत में भी है कुछ लोहा इस्पात उद्योग विस्तृत मात्रा में, ठीक है, या फिर रूस, ठीक है। दूसरे प्रकार जो हैं सूती वस्त्र उद्योग के, उसमें क्या है, भारत अग्रणी रहता है, हांगकांग, भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, दक्षिणी कोरिया भी क्या है, वस्त्र उद्योग में अग्रणी राष्ट्र है, या जापान और ताइवान, जापान, ताइवान सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग में क्या है, अग्रणी राष्ट्र है,
सिर्फ सूती वस्त्र नहीं है, वस्त्र उद्योग, ठीक है। और जो तीसरा टाइप है नया, वह ज़्यादा छत्तर क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन मुख्य जो क्षेत्र है भारत का और विश्व का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैलिफोर्निया तीसरा जो प्रकार है वह रहता है मध्यवर्ती, कैलिफोर्निया मध्यवर्ती जो कैलिफोर्निया है उसके सिलिकॉन घाटी में, के सिलिकॉन घाटी। और भारत में अगर बात करें तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु के अंदर यह है अवस्थित है। भारत की सिलिकॉन घाटी, ठीक है। तो यह क्या है, इस प्रकार के उद्योगों की वितरण पाए जाते हैं, उद्योगों के अलग अलग प्रकार जो हैं हमारे सामने, तीनों प्रकार हैं और उनके जो मुख्य क्षेत्र हैं वह यह रहते हैं। तो अभी क्या है, अपने इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, अलग अलग उद्योग के बारे में। और सबसे पहले अपने बात करते हैं लोह इस्पात उद्योग के बारे में, ठीक है। तीनों प्रकार के उद्योग जो हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। लोह इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह लोह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं, ठीक है। यानी यह तो हमने पढ़ा ही था कि औद्योगिक तंत्र क्या रहता है, प्रत्येक उद्योग में रहता है और जिनमें अलग अलग प्रकार के निवेश निर्गत या प्रक्रम रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो लोह इस्पात उद्योग है उसमें भी अलग अलग प्रकार के निवेश निर्गत वगैरह जो हैं वो रहते हैं। अगर अपने इसकी बात करें तो यह क्या है, एक पोषक उद्योग है, पोषक उद्योग है। लोह इस्पात उद्योग को क्या कह सकते हैं, अपने पोषक उद्योग कह सकते हैं, क्योंकि इसको जानने के लिए अपने पढ़ते हैं कि पोषक उद्योग क्या होते हैं। पोषक उद्योग, पोषक उद्योग इसलिए इसको कहते हैं कि जिसके उत्पाद यानी कोई भी ऐसा उद्योग है जिसके जो उत्पाद हैं वह अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हो, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हो, वह उद्योग क्या कहलाता है, अन्य उद्योगों के लिए पोषक उद्योग का कार्य करता है, पोषक उद्योग कहलाता है अन्य उद्योगों का। तो इसमें पोषक किस प्रकार से रहता है लोह इस्पात उद्योग, अब देखिए किसी भी उद्योग के लिए आवश्यक चीज़ें क्या होती हैं, मशीनें, ठीक है। तो मशीनें किससे प्राप्त की जा सकती हैं, मशीनें लोहे से बनाई जा सकती है, इस्पात से बनाई जा सकती है। तो उसी के कारण लोह इस्पात उद्योग जो है वो अन्य उद्योगों का क्या रहता है, पोषक उद्योग रहता है।
उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ इस उद्योग में क्या क्या चाहिए होता है? लौह अयस्क यानी आवश्यक तत्व क्या रहते हैं? लौह अयस्क, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग का सबसे प्रारंभिक जो चीज़ रहती है वो लौह अयस्क रहती है। इसके अलावा कोयला, चूना पत्थर, कोयला है, चूना पत्थर है, या फिर ये जो चीज़ें रहती हैं यह है किसके रूप में प्राप्त काम में आती है? कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होती हैं लौह इस्पात उद्योग के लिए। यानी ये तीनों चीज़ें क्या है? कच्चा माल है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या किया जाता है? इस्पात का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसलिए यह जो तीनों चीज़ें हैं लौह अयस्क या फिर कोयला या फिर चूना पत्थर जो है वो कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं इस उद्योग के लिए, ठीक है। लौह अयस्क में इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। अब देखो स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। लौह अयस्क से क्या है इस्पात निर्माण तक के कार्य में कई श्रेणियाँ रहती हैं या कई प्रक्रम रहते हैं। उसमें पहला क्या है, जो कच्चा माल रहता है उसको झोंका भट्टी में डाला जाता है, ठीक है। और झोंका भट्टी में डालकर उसको क्या किया जाता है, प्रगलित किया जाता है। ठीक है, यानी जो कच्चा माल है हमारे पास लोहा अयस्क, कोयला और चूना पत्थर, इन तीनों को डाला जाता है। एक साधारण सी बात अगर अपन करें तो 8 टन कोयला प्लस, एक अनुमान के आधार पर ऐसा माना जाता है, 8 टन कोयला, 4 टन लोहे अयस्क और प्लस में क्या है, 1 टन चूना पत्थर, चूना पत्थर, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, 1 टन इस्पात का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, कच्चा माल डाला जाता है झोंका भट्टी में और झोंका भट्टी में उनको क्या किया जाता है, प्रगलित किया जाता है। अभी क्या है अपने इस वर्ड को समझ लेते हैं कि प्रगलित शब्द क्या है या परगलन का मतलब क्या होता है। परगलन, अगर अपने इस परगलन शब्द की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों के साथ गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। गलनांक बिंदु जो होता है किसी धातु का, इतने टेम्परेचर पर मान लीजिए वह धातु पिघलेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको प्रगलित किया जाता है, गलाया जाता है एक प्रकार से, ठीक है। प्रगलन का मतलब क्या है, एक प्रकार से उसको गलाया जाता है। साथ में क्या किया जाता है, कोयला और चूना पत्थर यानी अन्य जो उसके सहायक उत्पाद हैं उनको साथ में डालकर गलनांक बिंदु से ज़्यादा उसको गलाया जाता है, तपाया जाता है, ताकि उससे क्या हो जाए, उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाए, ठीक है। और उसको ज़्यादा तपाकर क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रगलन की प्रक्रिया कहते हैं। तो कच्चा माल जो है उसको झोंका भट्टी में डालकर प्रगलित किया जाता है, ठीक है। अभी अगर बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की तो उसके बाद क्या रहता है, इस्पात की विशेषता के बारे में बात करें, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसके बाद इसको क्या किया जाता है, परिशोधित किया जाता है। प्रगलित कर लिया उसके बाद परिशोधित किया जाता है,
लगातार अपने प्रक्रिया के अनुसार चल रहे हैं। सबसे पहले कच्चा माल है उसको झोंका भट्टी में डाला, उसके बाद प्रगलन किया उसका, और उसके बाद उसको परिशोधित किया गया। चौथे चरण तक अपने पहुंच चुके हैं। प्राप्त उत्पाद जो होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा? इस्पात प्राप्त होगा, ठीक है। ये तीनों उत्पाद हमने डाले झोंका भट्टी में, उनको गलाया, उसको फिर शुद्ध करके एक साइड में निकाला, तो वह जो प्राप्त हुआ वह उत्पाद क्या रहता है हमारे पास? इस्पात रहता है। यानी इस्पात निर्माण के समय जो लोहा ऐसक है, कोयला है और चूना पत्थर है, इनको गलाकर इस्पात का निर्माण अपने शुद्ध करके लोहे को करते हैं। अभी बात करते हैं इस्पात के बारे में, ठीक है, कि इस्पात क्या चीज़ है या इस्पात की क्या विशेषताएँ रहती हैं। तो इस्पात जो है वह मजबूत प्रकार की धातु होता है, ठीक है। यानी वह एक तो क्या रहता है, मजबूत होता है। दूसरी उसकी विशेषता क्या होती है, आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसको आकार भी क्या है, आसानी से दिया जा सकता है, आसानी से आकार दिया जा सकता है। ठीक है, यह इसकी विशेषता रहती है। एक तो मजबूत रहता है, आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से इसको आकार दिया जा सकता है। अभी अगर इसकी गुणवत्ता को और भी ज़्यादा सुधारा जाए, ठीक है, एक तो क्या है, आकार दिया जा सकता है, फिर तार बन सकता है इससे, ठीक है, बन सकता है, ठीक है। अगर इसके साथ एल्यूमिनियम, निकल और तांबा जैसी धातुएं थोड़ी थोड़ी मिला दी जाए तो इस्पात क्या है, मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यानी अब जो इस्पात हमारे पास प्राप्त हुआ है उसके साथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक धातु होती है, निकल, तांबा, निकल व तांबा मिलाकर क्या कर सकते हैं, किसके साथ, इस्पात के साथ साथ मिलाकर मिश्रित धातु प्राप्त हो सकती है। और जो मिश्रित धातु होती है वह इस्पात को क्या देती है, यानी ये तीनों मिलकर इस्पात को क्या पहुंचा देते हैं, एक तो कठोरता प्रदान करते हैं, मजबूती ज़्यादा प्रदान करते हैं, या इसके अलावा दृढ़ता इसमें ज़्यादा होती है, और जंग प्रतिरोधक यानी इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या बनती है, जंग प्रतिरोधक, यानी इस्पात जो होता है उसको तांबा प्लस निकल प्लस एल्यूमिनियम मिलाकर उसको क्या बनाया जा सकता है, जंग प्रतिरोधक भी बनाया जा सकता है। यानी मजबूती है पहले से था, इसकी अन्य विशेषताएं थी, आसानी से काटा जा सकता था, आसानी से आकार दिया जा सकता था, तार इससे बनाया जा सकता था, इतनी अच्छी धातु बन सकती थी ये। बस इसमें कमी क्या थी, लोहे ऐसक होने के कारण, लोहे ऐसक इसमें ज़्यादा मात्रा में होने के कारण क्या था, जंग प्रतिरोधक नहीं थी। और जंग प्रतिरोधक बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें और सुधार किए गए इस्पात बनाने की प्रक्रिया में, तो एल्यूमिनियम, निकल व तांबा मिलाकर इससे मिश्रित धातु बनाई जाती है, और वो जो इस्पात बनता है
इन तीनों को मिलाने के बाद, यानी पहले हमने तीन चीज़ें मिलाई थी जिससे हमें इस्पात प्राप्त हुआ, अब जो इस्पात हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है उसमें तांबा निकल एल्यूमिनियम मिलाने के बाद वह जंग प्रतिरोधक भी बन जाएगा। जंग जो क्या है, लोहे को ख़राब कर देता है, मजबूती उसकी छीन लेता है, तो उससे बचने के लिए क्या है, ये तीन प्रकार के अन्य जो भाग हैं वो मिला सकते हैं। आगे की बात करें अपने, तो इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या रहती है, आधुनिक उद्योगों की मेरुदंड, मेरुदंड जो हमारी पीठ के अंदर जो हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी एक प्रकार से वह होती है, जो कि है शरीर का संपूर्ण संतुलन जो बना रहता है वो शरीर की इस मेरुदंड हड्डी से बना रहता है। तो लोहे इस्पात उद्योग जो है वो एक प्रकार से सभी उद्योगों की मेरुदंड का कार्य करता है, उसके आधार पर ही बाकी सभी उद्योगों का क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक उद्योगों की मेरुदंड इसको कहा जाता है, लोहे इस्पात उद्योग को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बनी होती हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। यानी या तो हमने जो चीज़ उपयोग करेंगे वो लोहे से बनी होगी, या फिर इस्पात से बनी होगी, या फिर जो चीज़ बन के आई है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, लोहा या इस्पात के औजार चाहिए होंगे, मशीन चाहिए होंगी, ठीक है। यानी एक प्रकार से लोहा या इस्पात उद्योग जो है उसके आधार पर या उसके द्वारा ही क्या है, बाकी उद्योग अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अन्य उद्योगों की मेरुदंड कहा जाता है। जैसे इससे बनी हुई चीज़ें क्या हैं, और एक इससे बनी हुई जो चीज़ें हैं उनमें पोत, रेलगाड़ी, ठीक है, चाहे रेलगाड़ी की पटरियां हैं, चाहे रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, या फिर ट्रक, ऑटोमोबाइल, यानी जो हमारे वाहन अपने यूज करते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी है, ट्रक है, ऑटोमोबाइल के जो अन्य भाग हैं या पोत हैं, ये सारे के सारे लोहे इस्पात से बने होते हैं और यह परिवहन के रूप में काम आते हैं, यानी ये बाकी उद्योगों के आधार हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि अपने बात करें तो जो सेफ्टी पिन है, सुइयाँ हैं जो अपने इस्तेमाल करते हैं, वह भी किससे बनी होती है, इस्पात से ही बनी होती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस्पात जो है वो आधुनिक उद्योगों की क्या है, मेरुदंड है, जो कथन क्या है, पूर्णतः सही साबित होता है कि यह वास्तव में अन्य उद्योगों की मेरुदंड का कार्य करती है। इसके अलावा इसके अन्य उपयोग देखें तो जो तेलकूप है वो इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं, या फिर इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है, या फिर खनिजों का जो खनन है वो इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र जो है वो प्राय इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का जो ढांचा है वो इस्पात से बना होता है, ठीक है। 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग की जो स्थिति होती थी, अवस्थिति होती थी, 1800 ईस्वी से पहले जो इस्पात के उद्योग होते थे वो ऐसी जगह स्थित होते थे जहाँ पर कच्चा माल, विद्युत की आपूर्ति, बहता जल आसानी से मिल जाए, ठीक है। यानी एक बात अपने देखें तो 1800 से पहले कहाँ अवस्थिति होती थी, जहाँ कच्चा माल मिले, विद्युत व जल आपूर्ति जहाँ पूर्ण हो,
ठीक है, ऐसे क्षेत्रों का क्या है, लोहे इस्पात उद्योग रहते थे। 1950 के बाद लोहा इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट स्थापित होने लगे, ठीक है, यानी 1800 से पहले तो कच्चा माल, विद्युत, जल आदि सारी जगह जहाँ मिलती है, सारी चीज़ें जहाँ मिलती थी वहाँ। 1800 के बाद देखें तो कोयला के क्षेत्र जहाँ समीप थे, नहरें थी, रेलवे थी, वहाँ पर रहते थे। और यानी 1800 के बाद कोयला क्षेत्र परिवहन, चाहे वो नहर का हो और चाहे रेल का, वहाँ पर रहते थे। लेकिन 1950 के बाद समुद्री पतनों के समीप क्या है, जो ये लोहे इस्पात उद्योग है वो स्थापित होने लगे थे। इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात उद्योग का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लोहे ऐसक विदेशों से आयात करना पड़ता था, यानी इतनी मात्रा में लोहे ऐसक किसी भी देश के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए इसको विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, भारत के जो इस्पात क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि कहां कहां पर भारत में लोहे इस्पात उद्योग है, ठीक है। भारत के लोहे इस्पात उद्योग भारत के लोहे इस्पात जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करें तो उत्पादक केंद्र जो हैं इस्पात के वो भिलाई, या दुर्गापुर जो सबसे प्रथम नाम आते हैं वो भिलाई, दुर्गापुर, बर्णपुर, सबसे फेमस जमशेदपुर, जमशेदपुर राउरकेला, बर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकरो क्षेत्र में क्या है, भारत में लोहे इस्पात उद्योग समृद्ध रूप से फैले हुए हैं, ठीक है, बोकरो नहीं बोकारो। पर इन सारे जो क्षेत्रों के बारे में नाम मैंने लिखे हैं, ये सारे क्षेत्र क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आसपास अवस्थित है, ठीक है। अगर अपने देखें तो यह सिर्फ चार राज्यों में फैले हुए हैं क्षेत्र। कौन कौन से राज्य हैं जो बिल्कुल पास पास में हैं एक दूसरे के, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, यह पहला रहता है अपना। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा या ओडिशा, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, ये चार राज्य हैं जो एक दूसरे के आसपास फैले हुए हैं, यहीं पर भारत का क्या है जो क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा विजयनगर, कर्नाटक, सलेमपुर या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों से क्या है आपूर्ति के लिए बने हुए हैं। तो यह हमने
लोहे इस्पात के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जमशेदपुर जो क्षेत्र है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में करेंगे।